हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 2-in-1 विथ डोरी मास्क। तो लेंथ है उसकी 6 इंच और विड्थ है 5 इंच। लेंथ हमें 6 इंच लेना है और विड्थ हमें 5 इंच लेना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेंथ हमें 6 इंच है तो इसको हम पहले 6 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 6 इंच की लाइन ड्रॉ हो गई, इसको हम नंबर दे देंगे 0 to 1, ये है लेंथ। उसके बाद विड्थ है 5 इंच, तो हम 5 इंच पे मार्क करेंगे 5, इसको नंबर दे देंगे 2, ये हमारी हो गई विड्थ। सेम ऊपर भी यही करना है, 5 इंच नंबर 3 विड्थ। अब ये हम पूरा एक बॉक्स बना लेंगे सब लाइनें ज्वाइन करके। तो मैं यहाँ पे 0 to 1 लेंथ, इसमें कुछ भी अभी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं करना है, लेकिन सीम अलाउंस जब हम सिलाई करेंगे तब उसमें ऐड करेंगे, तो वो सीम अलाउंस 1.5 इंच ही रहेगा। उसके बाद 0 to 2 विड्थ, तो विड्थ है हमारी 5 इंच और उसमें प्लस सीम अलाउंस 1.5 इंच, तो ये हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो लेंथ है 6 इंच का हम हाफ कर देंगे 3 इंच, और यहाँ पे भी हाफ कर देंगे 3 इंच, और यहाँ पे मिडल पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे दो पार्ट में, फर्स्ट एंड सेकंड, ये मिडल लाइन हो गई। अब हमारा लास्ट नंबर 3 था, यहाँ पे 4 और 5, तो 0 to 4 0 to 3 विड्थ है और 0 to 4 लेंथ का हाफ लेना है। ये मिडल पॉइंट हो गया मिडल, और ये भी मिडल। अब हमें क्या करना है, जो लेंथ की लाइन है उसमें यहाँ पे जो 0 से 3 वाली लाइन है वहाँ पर आपको 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, तो नंबर हो जाएगा 5, 0 to 5 2.5 इंच। उसके बाद यहाँ नीचे एक नंबर की लाइन पे हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, तो हम उसको नंबर देंगे 1 से 6, तो 1 to 6 1.5 इंच मार्किंग करना है। और यहाँ 1 से 2 की लाइन में यहाँ ऊपर की साइड हम 2.5 इंच पे निशान करेंगे, तो इसको नंबर दे देंगे 7, 2 to 7 2.5 इंच, 2 to 7 2.5 इंच। तो ये सारा मार्किंग आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ से ये जो मिडल लाइन है इसको यहाँ पे एक क्रॉस इधर और एक क्रॉस नीचे दे देना है, और ऐसे। अब ये जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट से हमें 1.5 इंच एक इंच पे निशान करना है, एक पे यहाँ पे 1 इंच। अभी हम तीनों ऐसे कर देंगे, ये हमारा एक मास्क का मार्किंग हो गया। अभी मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे हमें 2.5 इंच, तो ये 2.5 इंच नहीं है, 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको यहाँ पे 1 इंच लेना है, यहाँ पे 1/2 इंच लेना है, 1/2 इंच, और यहाँ पे भी 1 इंच लेना है, क्योंकि मैं जब बना रही थी तो मेरा ये सेंटीमीटर में चला गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ पे आपको 1 इंच लेना है, अगर आप सेंटीमीटर में लेते हो तो 2 इंच में आएगा,
और यहाँ पे एक इंच आएगा, यहाँ पे आधा इंच आएगा, यहाँ पे भी एक इंच आएगा और यहाँ पर भी एक इंच आएगा। अब हमें इसको एक प्रॉपर शेप देना है। तो ये जो लास्ट नीचे की लाइन है ये है कितने इंच की, 4.5। तो 4.5 का आधा 2.25 इंच। तो इस टोटल लाइन का हम मिडल निकालेंगे, मिडल पॉइंट, और इसी मिडल पॉइंट के अंदर हमें 0.25 अंदर चले जाना है। कितना? 0.25। और इसको हमें ऐसे शेप दे देना है। ये अगर आपके पास शेपर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हमें क्या करना है, ये इसको राउंड शेप, यहाँ से ऐसे राउंड, और ये इसको भी यहाँ से आपको राउंड दे देना है। तो ये मास्क का फ्रंट का राउंड शेप हो गया। अब यहाँ का हमें भी शेप देना है। तो ये जो है 4.5 का आधा 2.25 करेंगे, और यहाँ से हम, यहाँ हमने 0.25 लिया है और यहाँ पे हम 0.75 लेंगे, 0.75 इंच। और यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग कैसे करेंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे राउंड शेप में, और इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा मास्क का पूरा एक शेप रेडी हो गया है। अगर आप कोई भी काम मेजरमेंट और उसका डायग्राम बना के करते हो तो उसका जो शेप है बहुत ही प्रॉपर तरीके से आता है। तो ये हमारा 2-in-1 जो 2-in-1 मास्क जो बनाना है एंड विथ डोरी, ये उसका डायग्राम है। आप इस डायग्राम को देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। इस डायग्राम को आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है, उसकी थियोरी भी लिखनी है। और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से एक मेजरमेंट लेके उसका डायग्राम बना के कटिंग करो, क्योंकि तैयार फर्मे से तो कोई भी कर सकता है। अब ये तो हमारा ये जो साइज़ है वो लार्ज साइज़ है, इसको हम लार्ज साइज़ बोलेंगे। इसमें हम दो साइज़ और भी निकाल सकते हैं, तो वो कैसे? तो क्या करना है आपको, यहाँ से अंदर से 0.25 पे एक मार्किंग कर देनी है, यहाँ पे भी 0.25 की एक मार्किंग कर देनी है। और यहाँ से हम ऐसे एक मार्क करेंगे 0.25, और यहाँ पर भी 0.25, और यहाँ पर भी 0.25। इसका आपको शेप दे देना है। तो ये जो हमने अंदर दूसरा शेप दिया, ये हमारी हो गई मीडियम साइज, मीडियम साइज। ये लार्ज साइज और स्मॉल साइज जो बच्चों के लिए हमें बनाए, तो सेम वही करेंगे हम, 0.25 अंदर निशान कर लेंगे, 0.25 अंदर निशान कर लेंगे और इधर भी। तो पहले हम ये वाला शेप दे देंगे ऐसे, और यहाँ से इसको ये वाला शेप दे देंगे। नीचे सेम ही रहेगा, नीचे से कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर से ही आपको कम करना है। ये हो गया स्मॉल साइज। तो आप इसमें से साइज भी चेंज कर सकते हैं, कैसे आप बना सकते हैं। तो आपको अलग अलग डिफरेंट साइज करनी है तो कैसे करना है, और इसमें सीम अलाउंस एक्स्ट्रा हम क्यों यूज करेंगे। जब हम ये कटिंग कर लेते हैं तो कटिंग करने के बाद हम इसी पे सिलाई नहीं करते, हम उसके लिए एक्स्ट्रा अलग से चारों तरफ से हम सिलाई के लिए 0.25 ले लेंगे, ताकि सिलने के बाद हमको रेडीमेड यही तैयार मेजरमेंट का मिले। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, नहीं समझ में आता है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।